अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम किस चीज का एग्जांपल दोगे आने वाली पीढ़ियों को? क्या बोलोगे हमें डर लग रहा था इन सब चीजों के बारे में बोलने में, कहीं जेल ना चले जाए? ये बात जजों ने मानी थी, करा कुछ नहीं, वो बात बेशक अलग है। अगर कर देते तो जो लगभग 3 लाख लोग अंडर ट्रायल है वो बाहर नहीं आ जाते। एक अच्छा वकील कानून जानता है और बहुत अच्छा वकील जज को जानता है। भाई जस्टिस से पिज्जा थोड़ी ना 30 मिनट में मिल जाएगा। इंटरनेट पर सबको शेयर बनना है लेकिन किसी को इस बारे में बात नहीं करनी है कि ये सिस्टम सड़ चुका है। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? यार तो गाइस कल रात को ना मैं एक मूवी देख रहा था जिसका नाम था कुदरत का कानून। वो मूवी मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा ऊपर की थी, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज एक बार भी उस मूवी को मत देखिएगा। कसम से इतनी बाहियात मूवी है जिसकी कोई याद नहीं। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ सिर्फ उसका रीजन बताने के लिए मैंने उस मूवी का नाम लिया, बाकी मैं आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जाके मूवी को मत देखिएगा। तो गाइस उस मूवी में होता ये कि एक मिनिस्टर होता है, तो मैं एक मंत्री हूँ कुछ भी कर सकता हूँ, और वो एक औरत का रेप कर देता है। उसके बाद एक वकील मैडम होती है जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, वो सारे प्रूफ्स ले आती है उस मिनिस्टर के अगेंस्ट और उन प्रूफ्स को लाकर वो प्रूफ कर देती है कि ये जो मिनिस्टर है वो गिल्टी है। जब सब सारे सबूत देखते हैं जो कि उस मिनिस्टर के अगेंस्ट होते हैं और उसके बाद वो फैसला दे देते हैं मिनिस्टर के सपोर्ट में। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम आरती वर्मा कसूरवार है। इसी मूवी में थोड़ा आगे चल के पता चलता है कि हमारा जो मिनिस्टर है वो 3 लोगों का मर्डर कर देता है और उन 3 लोगों की मर्डर करते टाइम की फुटेज भी अवेलेबल होती है, वीडियो फुटेज। जिससे क्लियरली प्रूफ हो जाता है कि इसी बंदे ने मर्डर किया होता है। लेकिन हमारे जो मिनिस्टर साहब होते हैं वो दूसरे टाइम भी जज को खरीद लेते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें खरीद लिया, इस मूवी में दिखाया गया ये जज को खरीद लेते हैं और सारे सबूत होने के बाद भी जज साहब इन्हें बाइज्जत बरी कर देते हैं। अदालत श्री चरण दास को संदेह का लाभ देते हुए बा इज्जत रिहा करती है। अब ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर मूवी में इस तरीके के सीन दिखाए गए, हिंदुस्तान में ऐसी कई मूवीज हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि जो जस्सा होते हैं वो बिके हुए होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सरासर गलत है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही चीजें क्लियर करने आया हूं। लोग हमारी न्यायपालिका का मजाक उड़ाते हैं, आज की डेट में लोग हमारे जुडिशियरी सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ वो बात बेशक अलग है कि बाद में जेल चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। क्या जरूरत है ऐसी ट्रोलिंग की? मैं देखता हूँ आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे भी काफी जोक चल रहे होते हैं कि एक अच्छा वकील कानून जानता है और बहुत अच्छा वकील जज को जानता है। ये कोई तरीका है भाई? बताओ, ये संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम एक जज के लिए ऐसी बातें करो? ये बिल्कुल गलत है। और ये क्यों गलत है आइए आपको फैक्ट्स के साथ बताता हूं। भाई देखो, हिंदुस्तान में पिज्जा आने में लगते हैं लगभग 30 मिनट। कोई अगर ऑनलाइन सामान मंगाओगे तो उसको लगेंगे 3 से 5 दिन और अगर तुम जस्टिस लेने जाओगे तो तकरीबन 3 साल से 30 साल तक लग सकते हैं। भाई जस्टिस से पिज्जा थोड़ी ना 30 मिनट में मिल जाएगा। यहाँ पर मिलियन लोगों पे 50 जज होने चाहिए, वहाँ पे अगर 10 होंगे तो इस तरीके की डिले तो होंगी। ऐसे फन फैक्ट बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि अपने हिंदुस्तान में आज की डेट में 44 मिलियन से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर हिंदी अनुवाद करूं तो तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और इनमें से 50% केसेस तो चेक बाउंस और चालान वाले हैं। और सोचिए ऐसे केसेस अगर ब्लॉकेज लगा देंगे में तो डेफिनेटली जस्टिस मिलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना, 3 साल 5 साल 10 साल 30 साल और हो सकता है कई बार तो 50 साल भी लग जाता है। नॉर्मली तुम समझा करो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। अब ऐसा नहीं है इसकी, इन सब चीजों को लेकर सिर्फ हम लोग ही चिंता करते हैं, हमारे जो जजेस है ना वो भी इन सब चीजों को लेकर चिंता में रहते हैं। आपको एक केस बताना चाहूंगा, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार स्टेट का ये केस था। इस केस के दौरान एक बेंच ने ये बात मानी थी कि हमारे जेलों में बंद अंडर ट्रायल लोग अपनी एक्चुअल सजा से ज्यादा सजा अंडर ट्रायल रहते हुए गुजार लेते हैं और इसी बेंच ने ये भी माना था कि ये आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी का वायलेशन है। ये बात जो ने मानी थी, करा कुछ नहीं, वो बात बेशक अलग है। अगर कर देते तो जो लगभग 3 लाख लोग अंडर ट्रायल हैं वो बाहर नहीं आ जाते, कुछ को सजा मिल जाती और कुछ को जस्टिस। अब आई नो तुम में से काफी लोग बच्चे हो जिनको पता ही नहीं होगा कि अंडर ट्रायल क्या होता है, तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ऐसा समझो हमारे जो लक्ष्य भाई हैं उनने एक जगह पे चोरी कर ली, कंटेंट की नहीं किसी सामान की चोरी कर ली और इस चीज के ऊपर उनके ऊपर केस हो गया, उनके ऊपर लगा सेक्शन 379 जिसके तहत उनको 3 साल की सजा मिलनी चाहिए। एक प्रोसेस बता दिया मैंने, अब क्योंकि जैसे लक्ष्य भाई पकड़ाएंगे उनको पहले थाने लेके जाया जाएगा, उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाएगा। अब उसके बाद शुरू होगी प्रोसेस। वो आपने डायलॉग सुना होगा ना, तारीख पे तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट। वही वाला है सब, जब तक जज साहब आएंगे नहीं, सजा डिक्लेयर नहीं करेंगे, भाई को सजा नहीं मिलेगी। भाई अंडर ट्रायल रहेंगे, मतलब अगर भाई क्राइम करते तो उनको नॉर्मली सजा मिलती 3 साल की, लेकिन अंडर ट्रायल रहने के चक्कर में वो 6 साल 8 साल या फिर 10 साल तक काट सकते हैं। और ये चीजें फिक्शनल नहीं, रियल में होती। लोग अंडर ट्रायल रह के उतनी सजा काट लेते हैं जितनी उनकी एक्चुअल क्राइम की भी सजा नहीं होनी चाहिए थी। अब चलिए आपको कुछ रियल एग्जांपल्स बताता हूं। एक बंदा था जिसका नाम था दीपक जोशी, जो एक नेपाली सिटीजन था। उसको कोर्ट ने अभी रिलीज किया दमदम करेक्शनल होम से लगभग 40 साल बाद। वो बंदा 40 साल अंडर ट्रायल रहा, पेशियां काटी और उसके बाद ये चीज प्रूफ होती है कि उस बंदे ने तो मर्डर किया ही नहीं था। सेम ऐसे ही केस था 1982 का एक प्रेमचंद जी का। उनके ऊपर इल्जाम था कि उनकी दुकान में जो हल्दी है उसमें अडल्ट्रेशन है, जिसके चलते उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद चली उनकी पेशियां, तकरीबन 13 साल बाद 1995 में उनको बरी कर दिया गया ये बोल के कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और उसके बाद फिर केस चला 11 साल हाई कोर्ट में और फाइनली 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा किया ये बोल के कि उसने कुछ नहीं किया। अपनी जिंदगी के 38 साल एक छोटे से क्राइम में उसने
बर्बाद कर दिए, कोर्ट के चक्कर लगाए, वकीलों को फीस दी और 38 साल में पता चलता है कि वो गिल्टी ही नहीं था। लेकिन फिर भी हम किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करें क्योंकि अभी हाल ही में 5 लोगों को जेल में डाल दिया गया क्रिटिज्म को लेकर। ना भाई मेरे पास लेफ्ट की पावर है कि मैं खुल्लम खुल्ला देश की न्याय व्यवस्था को मैं पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बता दूं, और ना मेरे इतने अच्छे संपर्क है कि मैं जज को बिका हुआ बोलने के बाद 1 रुपए देके छूट जाऊं। मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस से वो चीजें बताऊंगा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। कोर्ट ऑफ कंटेंट में बेसिकली जेल हो जाती है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी अगर गलती हो रही होगी तो मैं एंटीसिपेटरी बेल लेके तुमको बार बार चीजें सिखाता रहूंगा ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। और सुरक्षित से ज्यादा है, मैंने सुना तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी गलती हो जाती है, तो ऐसी कई गलतियां कई लोगों से हो जाती है। खैर, हम बात करने वाले हैं कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन के बारे में जिनके ऊपर देश में काफी ज्यादा बहसबाजी हुई। आज से कुछ दिन पहले एक फैसला आया था जिसमें बताया गया था और कम गंभीर अपराध है, जिसके कारण एक जज साहब ने 10 साल की सजा घटाकर 7 साल की कर दी थी। इसी पे मुझे कोई अपना ओपिनियन नहीं देना, आप मुझे अपना ओपिनियन दो। सेम ऐसे एक और डिसीजन आया था जिसमें बताया गया था जब तक स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा या स्किन टू स्किन टच नहीं हो रही, वो सेक्स असॉल्ट में नहीं माना जाएगा। मीन्स कपड़े के ऊपर से करने वाली चीज असॉल्ट में नहीं आती। मेरे को इस चीज पे कोई ओपिनियन नहीं देना, बस एक बार आप छोटा सा काम करिएगा, आपकी एक बहन होगी या आपकी कोई दोस्त होगी या फिर आपकी गर्लफ्रेंड होगी, जो भी हो, जो मेरी एज में, मतलब हमारी एज में, उससे पूछिएगा क्या उसके रिश्तेदारों द्वारा या उसके पड़ोसी या फिर जानने वालों ने उसके साथ कभी इस तरीके की हरकत नहीं करी। मैंने अपने पर्सनल लोगों से पूछा और मैंने जाना कि लड़कियां ये सब चीजें फेस करती हैं, और लड़कियां ही नहीं छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज को फेस करते हैं। कपड़े खोल के की जाती है तो मानता हूं बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। मैं मानता हूं जब स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होता है तब बहुत ज्यादा फिजिकली चोटें लगती है, लेकिन ये मत बोलो कि जब कपड़े नहीं खुलते और एक बच्चे के साथ ऊपर से इस तरीके की हरकतें होती है ना, तो उस एज में उसके दिमाग में जो चोट लगती है ना उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अभी पूछेगा अपने घर के बच्चों से कि तुम्हारे साथ कभी रॉन्ग टच हुआ या नहीं, वो बताएंगे, और उसके बाद खुद से पूछेगा कितना अच्छा फैसला है। और किसी चीज पे हम ओपिनियन दे नहीं सकते, फ्री स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच हमारे लिए है ही नहीं। गूगल पे बहुत सारी चीजें डली रहती है, जैसे एक रिपोर्ट ये भी डली थी कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजेस हाइसो फैमिलीज से आते हैं। खैर, इस बारे में हम क्या ओपिनियन दे सकते हैं, करण जौहर बहुत ज्यादा नेपोटिज्म करता है कसम, लेकिन अभी उसने नेपोटिज्म करना बंद कर दिया है। मेरे दोस्त मेरे से पूछ रहे थे कि अगर कोई मुझे झापड़ मार दे तो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कहा पुलिस स्टेशन जा। वो बोला अगर पुलिस वाले पे ही केस करना हो तो मैंने यार पुलिस वाले पे करना हो वहाँ पे थोड़ा नेपोटिज्म चलेगा, साठ गांठ चलेगी तो कोर्ट चलेगा। उसने मुझे पूछा अगर कोर्ट वाले पे करना हो, मैंने वकील पे, कहता है नहीं जज पे। मैंने यार ये तो काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर अगर केस करना है ना तो हाई कोर्ट से परमिशन चाहिए, हाई कोर्ट के जज के ऊपर अगर केस करना है तो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर एक्शन लेने के लिए तुम्हें लोकसभा में सीटें चाहिए। बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है, कभी सर्च करना, और हाँ बता दूं इन सब चीजों में पुलिस तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी, तुम्हें डायरेक्टली करना है जो करना है। वीडियो तो यही खत्म करते हैं, थोड़ी सी मुद्दों की बातें करते हैं, समझ नहीं आता किस पर बिलीव करूं। एक जगह 3 तलाक जैसी गलत चीजों को बंद कर दिया जाता है, और वोट बैंक के लिए गवर्नमेंट कोर्ट के फैसले को पलट के रख देती है अपनी संसद में। एक जगह संसद कानून बनाती है और उसमें दूसरे स्तंभ हस्तक्षेप करने आ जाते हैं। एक पढ़ा लिखा सांसद जो सो कॉल्ड बैरिस्टर है उसकी पार्टी के लोग, और वो खुद ये बार बार बोलता है कि बाबरी जिंदा है, जबकि देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला सुना दिया है कि वहां पर राम मंदिर था, जिस पे पैसा होता वो इल्लीगल गन्स भी रखता है, टाडा जैसे केसों में फंसता और 5-6 साल के अंदर बाहर भी आ जाता है, और उसको छुड़ाने में पॉलिटिशियंस ने मदद करी थी, ये चीज ग्लोरीफाइड करके मूवीज में दिखाया जाता है। समझ नहीं आता है किसको भरोसा करो, और इन सिस्टम के ऊपर हम बोल भी नहीं सकते, क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। कसम से अगर सेफ बेटिंग ना करनी होती ना बस धोनी बन के छक्के मारता। एक बार खुद से पूछो कब तक इस सिस्टम में रह लोगे, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि रिफॉर्म्स की जरूरत है। तुम्हारे दादा दादियों ने एग्जांपल दिया महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज का, तुम्हारे माँ बाप ने एग्जांपल दिया सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, महात्मा गांधी का। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम किस चीज का एग्जांपल दोगे आने वाली पीढ़ियों को, क्या बोलोगे हमें डर लग रहा था इन सब चीजों के बारे में बोलने में कहीं जेल ना चले जाए। इंटरनेट पर सबको शेयर बनना है, लेकिन किसी को इस बारे में बात नहीं करनी है कि ये सिस्टम सड़ चुका है, ये सिस्टम जाम हो चुका है, जब तक इनमें रिफॉर्म्स का ऑयल नहीं डाला जाएगा ये नहीं चल पाए, किस पर भरोसा करो। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दें। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम मोतीलाल ओसवाल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय श्री राम।